हेलो एवरी वॉन माई नेम इज़ सैम एंड टूडे वी आर गोइंग टू चौकिन अबाउट बिग बॉस एंड सलमान खान देखो भाई सलमान खान नेपोटिजम के ऊपर अपना एक ओपिनियन दिया है तो बिग बॉस पे अपने एक ओपोनियन दिया है ओपिनियन तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं सो ये वी गेव लेडीज एंड जेंटलमैन जस्ट वेट अ मिनट आपका वीडियो अभी आपके लिए तैयार है यस yes. नेपोटिज्म देखो बॉलीवुड वाले के बच्चे इधर आ रहे हैं उन लोग को इधर नहीं होना चाहिए बाहर वाले से आने को आने वाले को लात मारते हैं आई मीन ज़रा गौर से देखा जाए अगर किसी एक कंपनी है आप किसी एक जैसे कि बॉलीवुड मूवी प्रोडक्शन करता है हाँ इंडिया में बहुत सारे कंपनियाँ हैं मूवी बनाने वाले उद्योग है फूड फूड प्रोडक्शन है तो आपका फूड प्रोडक्शन है मानो फूड प्रोडक्शन है तो बहुत बड़ा कंपनी है तो आप जब रिटायर होने वाले हो तो आपको सीईओ पे किसको रखना चाहोगे किसी बाहर वाले को और अपने बेटे को जो कि कंपनी संभाल सकता है ठीक ठाक कंपनी संभाल सकता है तो किसको रखोगे ऑब्वियसली यू तुम अपना ही बेटे को रखोगे ना तो बॉलीवुड पे नहीं बॉलीवुड पे ऐसा ही हो रहा है भाई अकॉर्डिंग टू द सलमान खान एंड आई अग्री टू हिम तुरंत हाथ खड़ा कर मैं तू संजय दत्त को कौन पसंद तुम करते हो तो मैं 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 व्हाट द हेल मैन व्हाट द हेल जस्ट रेज योर हैंड संजय दत्त शिफर ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड पर्सन अभी एम बी बी एस को मैं दस बार देख चुका हूँ और फिर से अगर यूट्यूब पे और टेलीविजन पे आएगा तो मैं देखूँगा भाई मुन्ना भाई एम बी बी एस और लगे रहो मुन्ना भाई देखूँगा आई एम फैन ऑफ संजय दत्त और एट गाइज दैट्स वाट सलमान खान सेड अबाउट द नेपोटिज्म देखो भाई बॉलीवुड वालों उन लोगों के पापा ने बनाया उन लोग के पापा की मेहनत है तो अपने बेटों को बेटे को डालेंगे ना यार उधर इसमें गलत क्या है, है? बार बार बॉलीवुड क्या क्या है ये बॉलीवुड सरकारी कोटा है क्या कोई सबको बराबर होना चाहिए हाँ बॉलीवुड सरकारी कोटा नहीं है फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है अगर तुम लोग को भी औकात है तो उधर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ओपन कर लो यार खुद का मूवी बना लो है बॉलीवुड में बाहर वाने वा, से आने वाले को घुसने नहीं देते द फक मैन दिस इज वाट सलमान खान सेट नॉट मी राइट हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड गाइज वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो हैव फन अगले वीडियो पे मिलेंगे